सब्सक्राइब करिए माय स्मार्ट स्टेप यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे के बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके हिंदी टेक्निकल चैनल माय स्मार्ट स्टेप में। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। साथ ही आप सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बने हुए बेल के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर के साथ लिंक करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम आपको पहले बता दें कि अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर के साथ लिंक कराना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से आपको अपने अपने हर मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कराना ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों में अपने देश में फैल रहे फर्जी सिम कार्ड के जाल को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निर्धारित की है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम अपना सिम कार्ड परचेस करने जाते हैं तो हम वहाँ पे अपनी आईडी प्रूफ और फ़ोटो को दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ जालसाज ऐसे हैं जो कि हमारी फ़ोटो कॉपी का दूसरा फ़ोटो कॉपी करके और हमारे फ़ोटो को स्कैन करके दूसरा फ़ोटो बना करके हमारे नाम पर दूसरे को किसी को सिम कार्ड बेच दिया जाता है, या फिर हमारे फ़ोटो के साथ किसी और का नाम जोड़ करके और सिम कार्ड को बेचा जाता है, जिसके तहत अगर कभी कोई घटना घटती है तो पुलिस द्वारा हमें भी परेशान किया जाता है या फिर ऐसे लोगों को परेशान किया जाता है जिन्होंने कोई गलत काम किया नहीं है और करने वाले बचकर निकल जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने यह पॉलिसी निर्धारित की है दोस्तों। लेकिन अब हम आपको जो बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से आधार कार्ड को मोबाइल नंबर के साथ लिंक कराएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के बीच ये प्रॉब्लम हो गई है, उन्हें पता नहीं है कि कैसे लिंक कराना है और उनके मोबाइल पे बार बार मैसेज भेजा जा रहा है कि अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर के साथ लिंक कराइए, नहीं तो आपके मोबाइल नंबर को बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अगर आपने अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं कराया तो आपका मोबाइल नंबर डेफिनेटली बंद कर दिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिनों की छूट दी हुई है, इसलिए आप अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर के साथ जल्द से जल्द लिंक कराइए और लिंक कराने के लिए हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो करिए। दोस्तों, आप अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ किसी भी रिटेलर के पास पहुंचिए जिस कंपनी का आप सिम कार्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप आइडिया का सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो आप आइडिया के रिटेलर स्टोर पे अपने आधार कार्ड और उस आइडिया मोबाइल नंबर के साथ पहुंचिए जिसे आप लिंक कराना चाहते हैं। वहां जाने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर को वहां पे रिटेलर को बताइए, वो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजेंगे जिसे आपको उन्हें बताना है। आप जब उनको बताएंगे तो वो आपसे आपके आधार कार्ड नंबर का 12 अंक पूछेंगे जिसे आपको वहाँ बताना है। जब इसको आप बता देंगे तो आपसे आपकी अंगूठे के निशान को स्कैन करने के लिए आपको स्कैनर देंगे, जहाँ पे आपको स्कैनर पे अपने अंगूठे के निशान को स्कैन करना है। आपके अंगूठे का निशान स्कैन करते ही आपके मोबाइल नंबर और आपके आधार कार्ड का डिटेल उनके सर्वर पर आ जाएगा। उनके सर्वर पर आने के बाद जब वो सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका यह मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया गया है। तो दोस्तों, हमेशा यह चेक कर लीजिए कि जब वो आधार कार्ड सबमिट कर रहे हैं तो उस पर आपकी फ़ोटो और आपका मोबाइल नंबर ही तो सबमिट कर रहे हैं, उसके बाद ही अपने थंब इम्प्रेशन को दीजिए। तो ये एक आसान तरीका है अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को लिंक कराने का। तो दोस्तों, ये था आधार नंबर मोबाइल नंबर को लिंक कराने का एक छोटा सा वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे देश में और भी लोग जो मोबाइल नंबर यूज करते हैं और जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है उन्हें इसकी खबर हो सके। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।